मम्मी मम्मी प्लीज ना, साल में एक ही बार आती है कॉलेज की पिकनिक। मैं भी साल में एक ही बार मना करती हूँ। तू जाएगी और रात को वापस देरी से आएगी। देर तो होगी ही, क्योंकि उसके बाद हम सब फ्रेंड्स मिलके प्लान चिट करने वाले हैं। क्या वापस वो भूत प्रेत वाला? नहीं बाबा नहीं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं भाभी, आपके लिए हैप्पी न्यूज़। हैप्पी न्यूज़ क्या था ना? खुशखबरी। अरे वाह, हैप्पी न्यूज़। हाँ वही है खुशखबरी। तो मैं क्या जा रही है? नहीं, पर पता है मैंने बहुत ही प्यारा ड्रम देखा है। ड्रम जो रात को सोने के बाद देखते हैं, बोलना क्योंकि क्या बोलते हैं उसको? अ ड्रीम, सपना। वही वही एक मिनट मैं चलती हूँ, अब मम्मी से कहिए। अच्छा ठीक है, पता है भाभी मेरी तरफ। तू तो दिन में सपने ही देखती है, इसलिए कभी दाल जल जाती है, कभी रोटी तवे पे चिपक जाती है। ऐसा होता है ना? हाँ पक्का ऐसा होता है। हाँ होता ही है ना? बिल्कुल। जाओ मैं आपको अपना सपना नहीं बताती। इतना शुरू हो पता ना क्या देखा? नहीं मैंने भाई ने तुझे घर से निकाल दिया। कैसे निकालेंगे? आपको, आपके पति। मैंने ये सपना देखा कि मेरे पति बड़े हो गए हैं। क्या वो छोटे बच्चे हैं? नहीं नहीं, बड़े तो वो अब भी हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़े हो गए हैं। मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जमीन, बहुत सारी जायदाद उनके पास आ गई है। वो कैसे? मैंने सपने में देखा कि पापा ने अपने जाने के बाद अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया है और घर की सारी चाबियां मेरे हाथों में दे दी है। ये देखो मैंने तो ना ये भी खरीद लिया, इसमें लगाऊंगी सारे। पची पची वॉट पची? ये कि घर का सारा कारोबार अब वही संभालेंगे। वो तुझे नहीं संभाल सकते तो कारोबार क्या संभालेंगे? ये जिम्मेदारी तो मेरे पति को ही मिलेगी। वो राज करेंगे, राज। और देखना सबको उन्हें पूछ कर ही काम करना पड़ेगा। हाँ मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन आपके बच्चे आपके पति को नहीं पूछते तो हम क्यों पूछेंगे? जबान संभाल कर बात कर, मैं तेरी जेठानी हूँ और ये तेरा ससुराल है। मैगा नहीं समझे क्या? आप मेरे मायके तक गए? अरे डोबी हूँ तो यहाँ छू, और मेरी किस्मत खुश है कि मैं तेरे मायके जाऊँ। हाँ लेकिन मैं आपके मायके गई हूँ। मैंने वहाँ जाकर देखा है कि 2.5 रुपए के पगार में आपका सारा खानदान खेत में मजदूरी करता फिरता है। शादी से पहले तू भी गोबर बिनकर कंडे बनाती थी और तेरे बापूजी सर पर टोकरा लिए घूमते थे बाहर बेचने के लिए। चोट चोट चोट, मेरे बापूजी के सामने पूरा गांव सर झुकाता था। क्यों? वो नायक थे। बहुत झुका मेरे बापू के बारे में और कुछ कहना तो तू अपना मुंह बंद रख। मेरा मुंह तो मेरे ससुर जी बंद नहीं करवा पाए, तुम क्या चीज हो? मैं तेरी जेठानी हूँ। जेठानी हो ना तो जेठानी बन कर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो, मुझसे ऐसे बात मत करो। मुझे कोई शौक नहीं तुझे जैसी बेवकूफ से बात करने का, और मुझे कोई कोई शौक नहीं है तुम जैसे गवार औरत के साथ रहने का। नहीं रहना है? नहीं नहीं रहना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रहना है? नहीं नहीं नहीं। तो जा, चली जा अपने मायके। मायके पता खुद भेजूंगी, पर पहले मेरा सपना तो पूरा हो जाने दो। जमुना का सपना सच हो गया तो? जमुना का सपना? बापा जाते जाते देवर जी को इस घर का मुखिया बना दे और वो हमें लात मार कर घर से बाहर निकाल दे तो? तुम्हारी गंगा भाभी की बातें सुनकर मेरा भी सर चकरा गया था। आज पापा है तो ये हाल है, कल पापा चले गए तो? क्या? अरे पापा कहाँ जाने वाले हैं? चली गई। पापा कहाँ जाने वाले हैं? कभी ना कभी तो जाएंगे ही ना। ऐसा हुआ तुम्हारे बड़े भाई पोपटी में हिस्सा देने के बदले में घिसे के मारकर निकाल दे। पोपटी में? क्या गई पोपटी में? नहीं मालूम, घर बंगला जायदाद हीरे जवाहरात जो सब बोलते हैं। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी में? हाँ वही वही वही। चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे भाई ऐसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी तो ऐसी है ना। जाओ जाकर पापा से बात करो। जाओ। नहीं नहीं पापा यही हो, पापा से बात करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तो फिर कोटवानी से बात करो। डिटेल में? तार में, तार तार करके डिटेल में पूछो। अच्छा डिटेल में पूछूं? हाँ वही वही वही। ठीक, किसी दिन जाके पूछ लूँ। नहीं 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 नहीं, अभी जाओ देखो। अभी तुमने सुनी नहीं है? काल करे से आज कर, आज करे से अब, पूरी डिटेल में पूछ लो। लेकिन जाकर पूछ लूंगा कल। नहीं नहीं अभी जाओ। अभी? अरे इतनी जल्दी क्या है? अगर पापा को आज रात को ही कुछ हो गया तो? अरे बाप रे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि आज मैंने पापा को खुद की बनाई हुई जड़ी बूटी खाते देखा है। पैसा? पैसा? मगर आपकी हाउसवाइफ तो सरस्वती भाभी बनेगी। बिल्कुल नहीं। अरे यार आजकल तो शादी टूट जाती है, फिर सगाई क्या चीज है? और मैं उस गवार सरस्वती के साथ शादी नहीं करूंगा, समझे? मैं तो फिल्म लाइन की किसी फुल फटाक हीरोइन को पटाऊंगा और उसे घर में बिठाऊंगा। क्यों, मुझे पहले देखा नहीं है क्या? नहीं नहीं,
आप जा कहाँ रहे हैं? मैं मार्केट जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। लेकिन भैया सब्जी तो मैं सुबह ही ले आया। मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैं खास बैंगन लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भैया आज सुबह मैं बैंगन ही तो लाया हूँ। मैं कल के लिए बैंगन लेने जा रहा हूँ। कमाल है, मैं तो पूरा हफ्ता भर चले उतना बैंगन लेके आया हूँ। लगता है कहीं और जा रहे हैं। तो हमें हमें बताया क्यों नहीं? जरूर छुपाने जैसी कुछ बात होगी। अरे तो हमें बता देते, हम छुपा लेते। भैया लगता है आजकल आप भदिये के साथ ज्यादा घूम रहे हैं। ए भैया आप कहाँ जा रहे हो? इस्त्री कर रहे हैं, धोबी के पास जा रहा हूँ। पर कपड़े कहाँ हैं? कपड़े ये जो मेरे उसी को इस्त्री करवा लूंगा। तो ये भी कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, चलो चलकर देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। चलो। ओहो धनसुख भाई, आ वा 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 वा। अरे तुम मेरे घर क्यों आए? मतलब है कि मतलब मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ये बात ही कुछ ऐसी है कि मैं मेरे घर पे नहीं कर सकता, अकेले में करनी है। तो मैं बाहर जाऊं? अरे नहीं, आपके साथ अकेले में बात करनी है। तो तुम अंदर जाओ। क्या बात है, कल बापा को कुछ हो गया? खबर पक्की है? अरे अगर कल बापा को कुछ हो गया, उनका मानो के स्वर्गवास हो गया, तो फिर हमारा क्या? हमारे लिए भी कुछ छोड़ गए हैं या फिर राम भरोसे? राम कौन? खटवानी, खटवानी। तुम यहाँ? भैया आप क्या? मैं यहाँ? हाँ मैं यहाँ, मैं इसलिए यहाँ क्योंकि वो खटवानी जी को जुलाब हो गया था ना, तो उनकी तबीयत पूछने आया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किस लिए आया था? हाँ खटवानी को कल जुलाब हो गया था, ऐसे मुझे आज जुलाब हो गया है। खटवानी से पूछने आया हूँ कि उन्हें जुलाब हो गया था तो उन्हें कौन सी दवा ली थी? कौन सी दवा ली थी? मुझे कोई जुलाब जुलाब नहीं हुआ है। जुलाब हुआ तो डॉक्टर को जाके पूछो। देख लिया, कोई जुलाब नहीं हुआ है। हुआ नहीं हुआ तो क्या है, हो भी सकता है। खटवानी जी अगर आपको जुलाब हो जाएगा तो आप कौन सी दवा लेंगे? अरे ये सब पूछने के लिए डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन लेकिन खटवानी जी मुझे आप ही से काम है। क्या काम है? मैं बड़े भैया के जाने के बाद बताऊंगा। धनसुख भैया को टाइम लगेगा। हाँ वो तो बेचारे ये जानने के लिए आए हैं कि बापा के गुजरने के बाद उनका क्या। क्या तो मेरा क्या? अच्छा यार तुम भी यही जानने के लिए आए हो। याद रखना पापा के बाद सब कुछ मुझे मिलेगा। नहीं मुझे मिलेगा। बड़े भैया हो तो क्या हर बार चलेगी क्या? मैं नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा बड़े भैया हर बार। अरे चुप, क्या तुम लोग लड़ते झगड़ते हो? हैं तुम दोनों सगे भाई हो ना? हाँ फिर क्यों लड़ते हो? क्योंकि हम सगे भाई हैं। जानना चाहते हैं कि बापा के बाद किसको क्या मिलेगा? क्या किसके नाम पे है? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बापा ने कुछ नहीं किसी के नाम में किया है, वसीयत ही नहीं की बापा ने। अच्छा मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं नहीं, बापा ने किसी के नाम कुछ नहीं किया है, बापा के बाद सबको ट्रस्ट में जाएगा। हाँ रमणिक बापा, जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है तो कल नहीं। तू मुझे मौत से डराने आए? लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे धनसुख का असली खून है, इतना जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूँ, सुन ले मुनीम। लेकिन बापा बापा वो कंवरलाल है ना, कंवरलाल वो भी यही कहता था कल तक, और कहते कहते हे राम चला गया ऊपर। मुझे लगता है मेरी एक बड़ी पेंटिंग बनवा लेनी चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरे दीवान खंड में मेरी एक बड़ी पेंटिंग तो होनी चाहिए ना। बापा पेंटिंग बाद में बनवाना, पहले वसीयत बनवा लो। नहीं नहीं, अब पेंटिंग बाद में बनवाऊंगा, पहले वसीयत बनवा लूंगा। वही तो कह रहा हूँ, पहले वसीयत बनवा लो। कमाल का जिद्दी आदमी है तू, बोल रहा हूँ ना पहले वसीयत बनवाऊंगा बाद में पेंटिंग बनवाऊंगा। सही है पहले वसीयत बनवा लो। फिर तो चारों भाइयों में हिस्से हो जाएंगे, और हिस्से हो गए तो वो चारों अलग हो जाएंगे। अरे जिन चारों भाइयों में इतना प्यार है, मैं उन्हें अलग देखना नहीं चाहता मुनीम। आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद ये चारों भाई आपस में प्यार से रहेंगे? भाई धनसुख का असली खून है। खून की नदियां बहेगी जमीन जायदाद के लिए। तो फिर धनसुख का असली खून है, चारों मिलकर मुसीबतों के सामने लड़ लेंगे। आपस में लड़ेंगे चारों? अरे हो ही नहीं सकता, और मेरी दोनों बहू गंगा और जमुना
अपने प्यार और स्नेह से पूरे परिवार को समेटे रखेगी। ये भ्रम है आपका बापा। अरे इन दोनों की आपके सामने नहीं पड़ती, आपके बाद में क्या पड़ेगी। और ये चारों भाई आज आए थे मेरे पास अपना अपना हिस्सा जानने। क्या? हाँ, और वो धनसुख और मनसुख, अरे वो तो कुत्ते बिल्ली को कॉम्प्लेक्स आ जाए उस तरह लड़ रहे थे। क्या? एक दूसरे की जान ले लेंगे आपके पास। पापा गंगा जल भी खत्म होने आया। हाँ। लेकिन ये है कि गुड मॉर्निंग पापा, ये लो ये अभी अंगूठा बार दो। चलो पापा उठो और यहाँ इस कागज पर अंगूठा मारो। पापा इस कागज पे मारो। नहीं यार, कागज पे मारो यार। इस ऐसा नहीं करोगे तो मैं वक्त से पहले ही उठ जाऊंगा। ऐसे उठने की बातें मत करो पापा। तुम इस अंगूठा मारो फिर क्या दूर। इसके ऊपर मत मारना, ये सारी जायदाद अपने नाम कर रहा है। क्यों, मैं क्या बुद्धू हूँ? तू तो पापा है जो वसीयत नहीं बनाई। क्या? अरे पापा को बुद्धू कहते शर्म नहीं आती? तुम्हें तो इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। अरे वाह, ये घर तेरा कैसे हो गया? यानी हम भी? क्या यह मुख की रोटी तोड़ेगा? चलो निकलो, हमारे घर सिर्फ हम रहेंगे। मनु भैया जबान संभाल के बोलो वरना जबान काट दूंगा। पहले मैं काट लूंगा। मैं कम नहीं हूँ, धंधुका का असली खून है। वेरी गुड धंधु भैया। अरे उसे क्यों मारा? मुझे भी। पापा चल। नहीं खटवानी, तुम सच कहते हो? मेरे जाने के बाद तलवारें भी निकल सकती है। मैं वसीयत बनवाऊंगा खटवानी, मैं वसीयत बनवाऊंगा। लीजिए चाहे लीजिए। थैंक यू। लीजिए चाहे। अरे नहीं नहीं लीजिए। अच्छा थैंक यू। इसकी क्या जरूरत है? अरे चाहे तो पियेंगे ना। अरे वसीयत की क्या जरूरत है? मैं अपने चारों बेटों को अच्छी तरह से जानता हूँ, धंधुका का असली खून है। अगर वसीयत नहीं बनाई तो मेरे मरने के बाद तलवारें निकलेगी। ठीक है तो फिर सारा मेरे नाम कर देना। उन तलवारों से तुम कट जाओगी। मेरी नसीब ही ऐसी है, मुझे अभागन को न ससुराल में कुछ मिला न मायके में कुछ मिलेगा। अरे क्या खटपट लगा रखी है, अगर एक आध दाम भी वसीयत में कट गया ना फिर तलवारें सच्ची में चल जाएंगी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी की वसीयत बनते वक्त वकील ने लड़कों की जगह खुद का नाम लिखवाया था। हाँ, मैं मर जाऊँ फिर क्या हुआ? क्या हुआ, ससुर के साथ वकील की भी अर्थी निकल पड़ी। मेरा नाम क्या है? साहब आप बिल बनाइए ना, आप थोड़ी अपना नाम लिखने वाले हैं। मेरा नाम तो लिखना ही मत। ये बंगला मैं किसके नाम लिख दूं? ये बंगला मेरे बड़े बेटे धनु के नाम पे कर दो। नहीं पापा, धनु फिर तीनों भाइयों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। तो फिर मनु के नाम पे कर दो। मनु भी तो वही करेगा पापा। तो आखिर सभी भाइयों के रगों में एक ही खानदान का खून बह रहा है। बह रहा है ना? पर मैं बह रहा नहीं हूँ। खून खून। हाँ धंधुका का असली खून है, कन्फर्म बह रहा है। तो फिर क्या करे? करे क्या, सभी बेटों को एक एक बंगला दे दो। लेकिन हमारे पास तो दो ही बंगले, एक ये और एक हमारे धंधुका गांव की पुरानी हवेली। बाबा एक काम करो, धनु को ये बंगला दे दो और तीनों बेटों को एक एक बंगला खरीद के दे दो। 5-10 करोड़ में तो तीनों बंगले आ जाएंगे, मैं आपको दिलवा दूं। वो ठीक है, चलो 3 बंगलों में से 2% के हिसाब से तगड़ी कमीशन मिलेगी। क्या? नहीं कुछ नहीं। भाई मैं कहती हूँ, चारों को बंगला दिलवाओगे तो गांव की हवेली का क्या होगा? बाबा गांव की हवेली आप अपने लिए रख लो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। अरे मरने के बाद अगर धंधुका विजिट करोगे तो अपने खुद के बंगले में रहोगे। ये मेरी फीस छोड़ के बैंक में जितना पैसा है किसको कितना देना ये बता दीजिए। मुनीम मेरा मतलब है खटवानी, मेरे मरने तक तो 500 करोड़ तो रहेगा ना। हाँ, 3 बंगले खरीदने के बाद 405 करोड़ बचेगा। बस तो सब बेटे के नाम पे एक एक बंगला ले लेंगे और बाकी के 5 करोड़ मेरे नाम? नहीं, मधु के नाम। सच? 5 करोड़? मैं करोड़पति बन गया। जा मेरे लिए 1 ग्लास पानी लेकर आ। हाँ। अब मैं आपकी नौकरी को लात मारता हूँ। अभी नौकरी नहीं, सेठ सेठ। अरे वो पगले, मेरे मरने के बाद अभी नहीं। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। रमणीक जी,
कानूनी तौर पे जमीन जायदाद में जितना हिस्सा भाइयों का होता है उतना ही बहनों का होता है। वो ठरकी बहन मेरा मतलब बक्की बहन और झमकू का तो कुछ भी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, हमारे पास गांव में 80 एकड़ जमीन जो है। आपके पास गांव में 80 एकड़ जमीन है? हैं? तो अब तक किसी के ध्यान में आई नहीं होगी शायद। क्यों, वो मेरे नाम कर दो। नहीं नहीं, वो जमीन मैं बक्की और जमकू के नाम पे करूंगा और गांव का पुराना मंदिर और पुरानी हवेली साकर के नाम पे। सच भाई, सब दूसरों के नाम जाएगा तो फिर हमारे हाथ क्या आएगा? अरे सुनो, अरे भाई बाबा के कमरे में क्या पक रहा है, क्या जल गया, क्या कच्चा रह गया, ये सब जानने का तुम औरतों का काम, मेरा नहीं। क्या रहनी सुधरो, सुनो। पता है आज पापा कमरे में बैठकर क्या क्या कर रहे थे? पापा क्या करेंगे, हाँ हुक्का पी रहे होंगे या अपनी जड़ी बूटी घिस रहे होंगे? नहीं, जायदाद के हिस्से बन रहे थे, बिल बन रहा था। बिल बन रहा था? किस चीज का बिल बन रहा था? अरे बिल नहीं बनता है, वो प्रॉपर्टी का बिल। प्रॉपर्टी का? अच्छा बिल बन रहा था। वही तो हमें क्या मिला? स्मार्ट नहीं बनोगे तो यही मिलेगा। जाओ एड्रेस लगाओ और देखो किस किस को क्या क्या मिला। ले, पता करने से भी क्या हुआ? अरे पर पापा के जीते जी तो हम वसीयत बदली करवा सकते हैं। अरे क्या सही बोला है, मेरे कलेजे के 8वें न हुए। चल चल दादा, फुदक मत, पहले पता तो चले अपने हिस्से में क्या है। चल जमुना को नींद लग गई थी ना, तो बाबा के बिस्तर की चादर बदलने आया था। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो गंगा को झपकी लग गई थी ना, इसलिए बाबा के कमरे में आ गया, झाड़ू मार देती हम 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 आपकी मदद करने आ गए। अरे वाह, हम आए उसके पहले आप हमको मदद करने के लिए यहाँ आ गए। अरे झूठ बोलते हैं भैया, ऐसे क्यों नहीं कहते कि वसीयत लेने आए थे? पता तो चले मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है, वो गंगा मेरे पीछे पड़ गई है ना। यहाँ किसको कुछ चाहिए, लेकिन तुम तो जमुना को जानते हो, जमुना मेरी जान की दुश्मन बन गई है। ये मेरी जान का दुश्मन बन गया है। फिर आ गई तो पढ़ी लो ना। या किसको पढ़ना आता है? क्या हुआ? पता होता तो भी नहीं पढ़ पाते। क्यों? इसमें कोई लिखा ही नहीं है। अरे ये इसका मतलब बापा ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब बापा के पास हमारे को देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर वो पैसा, जमीन, जायदाद वो सब कहाँ है? वो यहाँ है, असली वसीयत यहाँ है मेरे पास। बापा आपकी पिक्चर इतनी जल्दी खत्म हो गई? तुम लोग मुझे जबरदस्ती पिक्चर देखने भेज रहे थे, तभी मुझे शक हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग यहाँ वसीयत जरूर ढूंढोगे, इसलिए जेब में लिए ही घूमता हूँ। तुम लोगों को जानना है ना किसे क्या मिलेगा, अभी सुनाता हूँ। गंगा, जमुना, चिंटू। पापा, क्या? क्या है पापा? रात को क्यों बुलाया? जरूरी काम है बेटे, मुझे आपकी जड़ी बूटी नहीं खानी है। ये वसीयत पर। मेरे मरने के बाद ये गांव की जमीन जायदाद किसी चीज का बंटवारा नहीं होगा। सबको सब कुछ मिलेगा पर किसी एक को कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये परिवार प्यार से मिलजुल कर रहेगा तब तक ये सब इनके नाम रहेगा। पर किसी एक ने भी झगड़ा करने या अलग होने की कोशिश की तो वो ही नहीं, सारे इस जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। सारी जायदाद अनाथ आश्रम में चली जाएगी। लेकिन सब कुछ अनाथ आश्रम में चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे?
आपके अनाथ आश्रम में भर्ती हो जाएंगे। नहीं पापा, वो प्यार की डोर, उसके लिए तुम दोनों को आपस में झगड़ना लड़ना बंद करना पड़ेगा, समझी? ठीक है, मैं कसम खाती हूँ हम आपस में नहीं लड़ेंगे। गंगा भाभी, आपने कसम खा ली? हाँ, तो ठीक है, गॉड प्रॉमिस। मैं भी अब गंगा भाभी से कभी काइट नहीं करूंगी। काइट? अरे वही जो हम अक्सर करते रहते हैं, काइट काइट। काइट नहीं, फाइट। हाँ हाँ, वही 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 वही। अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, फिर भी बोलती रहती है। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन तुम्हें खाना बनाना था तो तुम हमें जला जला तो बना रही हो। तभी तो वो दोनों महामायो चुप चुप। अरे ऐसे ही लड़ती झगड़ती रही ना तो बापा के जीवते जीवत हम सबको अनाथ आश्रम में भर्ती होना पड़ेगा। ओ गंगा भाभी, अब सब मिलजुल कर रहेंगे। वाह बापा वाह, क्या वसीयत बनाई है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में हमारे पड़ोसी कन्हैया लाल ने वसीयत में लिखा था कि मेरे साथ साथ मेरे सारे पैसे जलाए जाए, और जलाना ही पड़ा। तो पैसे थे? अरे जब वो मर गए ना तब उनकी जेब में 7 रुपए 12 आने निकले थे।